अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ सब नाज़रीन खैरियत से होगी। एंड वेलकम ज़िल्मी स्पोर्ट्स टीवी। तो आज हम बात करेंगे PSL 7 के बारे में और पेशावर ज़िल्मी के बारे में, जो हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई थी उसके बारे में बात करेंगे, जो कोरोना का शिकार था और क्वारंटाइन था। तो बात करेंगे कि वो कल पेशावर ज़िल्मी के लिए लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ मैच खेलेंगे या नहीं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़िल्मी टीवी में पहली बार आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल ज़िल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो वीडियो की तरफ। पेशावर की जो स्टार ओपनर थी हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई, उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से वो पेशावर ज़िल्मी के लिए पहले दो मैच ना खेल सकी, जिसकी वजह से पेशावर ज़िल्मी की जो ओपनिंग थी वो बहुत ख़राब हुआ था। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जो हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई और लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ खेलेंगे तो नहीं। तो हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई का जो कोरोना टेस्ट है वो अभी निगेटिव आया है, और हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई ने पेशावर ज़िल्मी का प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन किया है। तो आपको बताते चले कि जो हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई है वो कल लाहौर कलंदर के लिए प्लेइंग 11 के लिए दस्तियाब होंगी, लेकिन डिपेंड करता है हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई की फिटनेस पर कि वो कल की मैच के लिए फिट है या नहीं। अगर हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई कल की मैच के लिए फिट होगा तो ज़रूर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। तो आप भी अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कल की मैच में हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई को खेलना चाहिए या नहीं, कितना ज़रूरत है पेशावर ज़िल्मी को कल की मैच में हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई की। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जो पेशावर ज़िल्मी की दो खिलाड़ी थी साकिब महमूद और लियाम लिविंगस्टन, उसी के बारे में। साकिब महमूद और लियाम लिविंगस्टन जो थी वो अपनी नेशनल ड्यूटी में मसरूफ थे, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में मौजूद थे, और वो T20 सीरीज़ जो है वो ख़त्म हुआ है। तो आपको बताते चले कि जो साकिब महमूद और लियाम लिविंगस्टन है वो फ्लाइट में है अभी, तो इंशाल्लाह कल तक वो भी पेशावर ज़िल्मी की टीम के लिए पहुँचेंगे, लेकिन वो जो कल की मैच है लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ वो इसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो साकिब महमूद और लियाम लिविंगस्टन है वो 3 दिन क्वारंटाइन करेंगे, और इसी के बाद पेशावर ज़िल्मी की टीम का हिस्सा बन सकेंगे और प्लेइंग 11 के लिए दस्तियाब होंगी। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए और एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में छोड़िए। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़िल्मी टीवी में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज़िल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।